और फारूकी साहब इशारा कर रहे थे। मैं जरा खुलकर बता दूं कि ईरान ने फारूकी साहब के कत्ल करने के लिए बाकायदा वफूद पाकिस्तान भेज दिए हैं, जिसे कि मुख्तदर इदारों ने हमें इतला दी है और हमने जमाती तौर पर फारूकी साहब की एक्टिविटीज को एक वक्त तक रोक दिया है। इंशाल्लाह खत्म नहीं हुई, रोकी है, हिकमत अमली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ 3 दिन के लिए गार के अंदर गए थे और गार के अंदर क्याम किया था, ये बदले नहीं है। इंशाल्लाह बेहतरीन हिकमत अमली बनने के बाद फारूकी फिर तुम्हारे दरमियान पहले से बढ़कर शान के साथ मौजूद होगा इंशाल्लाह।